सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने लड़के से कह रही है कि जिस नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया उसमें बहुत यात्रा करनी पड़ती है। यानी इसने एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जिसमें यात्रा करनी पड़ेगी। यानी इस जॉब का काम ही ऐसा है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना आना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होता है किसी नौकरी में, तो हम इस तरीके से बोलते हैं द जॉब दैट आई अप्लाइड फॉर, यानी जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। द जॉब दैट आई अप्लाइड फॉर रिक्वायर्स अ लोड ऑफ ट्रेवल, यानी इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर दिया उसमें बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। द जॉब दैट आई अप्लाइड फॉर रिक्वायर्स अ लोड ऑफ ट्रेवल, इसीलिए आने वाले समय में बहुत व्यस्त रहने वाली हूँ। कह रही है कि दैट्स वाई आई विल बी वेरी बिजी इन द अपकमिंग टाइम। दैट्स वाई आई विल बी वेरी बिजी इन द अपकमिंग टाइम, इसलिए आने वाले समय में ना मैं बहुत व्यस्त रहूँगी। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। आई विल बी वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी रहूँगी इन द अपकमिंग टाइम्स, आने वाले समय में। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हैंस अंत आई विल बी क्वाइट ऑक्यूपाइड, मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड रहूँगी। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है घिरे हुए रहना, घिरे हुए यानी बिजी रहना। हैंस आई विल बी क्वाइट ऑक्यूपाइड इन द टाइम्स अहेड, आने वाले टाइम में मैं क्या रहूँगी, ऑक्यूपाइड रहूँगी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहूँगी। हैंस आई विल बी क्वाइट ऑक्यूपाइड इन द टाइम्स अहेड, या हम बोलेंगे दैट्स वाई आई विल बी वेरी बिजी इन द अपकमिंग टाइम्स। दोनों का मतलब है इसलिए मैं आने वाले समय में बहुत व्यस्त रहूँगी। अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ पाऊँगी, यानी कि जब ये जॉब शुरू हो जाएगी मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं आऊँगी। फ्रॉम नाउ ऑन, यानी अब से, फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉप यू ऑफ एट स्कूल। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉप यू ऑफ एट स्कूल, अब से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ पाऊंगी। फ्रॉम नाउ ऑन आई वोंट बी एबल टू ड्रॉप यू ऑफ एट स्कूल, इस मंडे से मैं नौकरी पे जाने लगूंगी। यानी मेरे जो शुरुआत होगी नौकरी पे जाने की वो इस मंडे से होगी। आई विल स्टार्ट गोइंग टू वर्क फ्रॉम दिस मंडे, आई विल स्टार्ट गोइंग टू वर्क फ्रॉम दिस मंडे, इस मंडे से मैं नौकरी पे जाने लगूंगी, यानी काम पे जाने लगूंगी। आई विल स्टार्ट गोइंग टू वर्क फ्रॉम दिस मंडे, हम ऐसे बोलेंगे आई विल बिगिन माई जॉब ऑन दिस मंडे, यानी मैं मंडे से अपनी जॉब शुरू कर दूंगी। आई विल बिगिन माई जॉब ऑन दिस मंडे, आई विल बिगिन माई जॉब ऑन दिस मंडे, इस मंडे से मैं अपने काम पे जान लूंगी, यानी अपनी जॉब शुरू कर दूंगी। मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर रहूंगी। देखो, इस तरीके से हम बताते हैं अपने काम के बारे में, इंग्लिश में कैसे बताना है ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर ही बता रही है कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर रहूंगी, यानी जॉब पर रहूंगी। आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM। तो यहाँ पर हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया, इसमें एक हमने आइडिया लिया ऊपर कि यहाँ पर ये सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि जो मेरी जॉब है वहाँ मैं शाम 5 बजे से, मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहूँगी। तो हम या तो ऐसे बोलेंगे आई विल बी वर्किंग, यानी मैं काम कर रही हूँगी, यानी अभी कर नहीं रही, कर रही हूँगी फ्यूचर में ना। आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM, यानी मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम कर रही हूँगी, यानी मेरा काम ऐसा है जिसमें मुझे 9 बजे से 5 बजे तक करना पड़ेगा। या हम ऐसे बोलेंगे आई विल बी एट वर्क फ्रॉम 9 in the morning until 5 in the evening। यहाँ बिल्कुल हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर रहूँगी। आई विल बी एट वर्क फ्रॉम 9 in the morning until 5 in the evening। देखो, ये बिल्कुल ट्रांसलेट है, जब हम बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट करते हैं अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम सिंपली बोल रहे हैं कि आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ये ज़्यादा सूट कर रहा है कि मैं 9 से 5 बजे तक काम करूंगी। या कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि माई वर्क आवर्स विल बी फ्रॉम 9 AM until 5 PM, यानी जो मेरा वर्किंग आवर्स जो रहेंगे ना, जितने घंटे मैं काम करूंगी वो 5 से 9 के बीच में रहेंगे। माई वर्किंग आवर्स विल बी फ्रॉम 9 AM until 5 PM। अब तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत डालनी होगी। यहाँ पर इससे कह रही है कि नाउ यू नीड टू गेट यूज टू लिविंग विदाउट मी। अब देखो, जब भी आ जाता है गेट यूज टू, यानी आदत होने की चीज़ की। नाउ यू नीड टू गेट यूज टू लिविंग विदाउट मी। अब तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत डालने की ज़रूरत है या पड़ेगी, दोनों सेंस में हम कह सकते हैं। नाउ यू हैव टू बोल सकते हैं, नीड टू। नाउ यू हैव टू गेट यूज टू लिविंग विदाउट मी, गेट यूज टू लिविंग विदाउट मी। टू के बाद यहाँ पे गेट, जब गेट यूज टू आए तो वहाँ पर हम इसके बाद जो भी वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर टू के बाद लिव का किया तो उसमें आईएनजी लगाना ज़रूरी है। नाउ यू नीड टू गेट यूज टू लिविंग विदाउट मी, इसके कहने का मतलब तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत डालनी होगी।
क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो काम है वो ट्रेवल के लिए है, एंड इसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए कह रही है कि सिंस आई माइट हैव टू ट्रेवल आउटसाइड द सिटी फॉर वर्क, सिंस आई माइट हैव टू ट्रेवल आउटसाइड द सिटी फॉर वर्क, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। समटाइम्स इट माइट टेक मी 1 or 2 days टू रिटर्न, कभी कभी लौटने मुझे 1 से 2 दिन लग सकते हैं। समटाइम्स इट माइट टेक मी 1 or 2 days टू रिटर्न, समटाइम्स इट माइट टेक मी 1 or 2 days टू रिटर्न, कभी कभी मुझे काम से लौटने में 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। अब आगे कह रही है कि मेरी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है आज रात आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले मेरी है, ये मेरी एक लड़की का नाम है, मेरी एक लड़की है, इसकी दोस्त है, उसके बारे में बता रही है कि मेरी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है आज रात आ रही है। इंग्लिश में बोलेंगे मेरी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग ओवर टू नाइट, मेरी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग ओवर टू नाइट। हम ओवर भी हटा दें तब भी चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस अट्रैक्टिव लगता है जब हम कम ओवर फ्रेज वर्ब बोल देते हैं। मेरी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग ओवर टू नाइट, यानी मेरे नाम की एक लड़की है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो आज रात आ रही है। यहाँ में से बोलेंगे टू नाइट माई बेस्ट फ्रेंड मेरी इज कमिंग ओवर, टू नाइट माई बेस्ट फ्रेंड मेरी इज कमिंग ओवर। देखो यहाँ पर हमने किस तरीके से सेंटेंस को बदल दिया, वर्ड बिल्कुल वही है, कहने का मतलब वही है कि मेरी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग ओवर टू नाइट, या हम बोलेंगे टू नाइट माई बेस्ट फ्रेंड मेरी इज कमिंग ओवर, शी इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी वैन आई वॉज इन नीड। अब बता रही है कि वो ये वही शख्स है जिसने मेरी ज़रूरत में मदद की थी, यानी मेरी जो इसकी दोस्त आ रही है उसके बारे में बता रही है कि शी इज़ द पर्सन, ये वही पर्सन है, वही व्यक्ति है हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद करी थी वैन आई वॉज इन नीड, जब मैं ज़रूरत में थी, जब मुझे ज़रूरत थी नीड की, जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। शी इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी वैन आई वॉज इन नीड, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि शी इज़ द वन हु एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ नीड, शी इज़ द वन हु एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ नीड, यानी वो शख्स है जब मुझे ज़रूरत थी टाइम की तो उसने मेरी मदद की थी। दोनों का मतलब यही है, जब वो यहाँ आए मैं चाहती हूँ उसकी अच्छे से खातिरदारी हो। वैन शी कम्स हेयर आई वॉन्ट टू टेक गुड केयर ऑफ हर, वैन शी कम्स हेयर आई वॉन्ट टू टेक गुड केयर ऑफ हर, यानी जब वो यहाँ आए तो मैं चाहती हूँ कि उसकी अच्छे से खातिरदारी हो। When she comes here, I want to take good care of her. या ऐसे बोलेंगे When she arrives, please go to the airport and pick her up. अब यहाँ पर इससे कह रही है कि जब वो आए तो प्लीज़ एयरपोर्ट से जाकर उसे ले आना, क्योंकि वह गुस्से आ रही है एरोप्लेन से तो एयरपोर्ट पर आएगी वो, इसलिए कह रही है कि When she arrives, please go to the airport and pick her up. Please जब वो आए तो उसे एयरपोर्ट से जाकर ले आना, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं याद से, यानी हम कहते हैं ना याद से, जब वो आए तो उसे एयरपोर्ट से जाकर ले आना, तो हम बोलेंगे मेक श्योर टू गो टू द एयरपोर्ट एंड ब्रिंग हर बैक व्हेन शी अराइव्स, मेक श्योर टू गो टू द एयरपोर्ट एंड ब्रिंग हर बैक व्हेन शी अराइव्स, कहने का क्या मतलब है कि जब वो आए उसे याद से एयरपोर्ट से यहाँ पर ले आना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।